सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा Realme 8 स्मार्टफोन के बारे में, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इनफैक्ट ये 15,000 या 14,000 से भी कम के प्राइस ब्रैकेट में आपको ये अवेलेबल है और इस प्राइस रेंज में मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन लगता है। आज मैं आपको इसी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, इसके इनबॉक्स कंटेंट क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है और इसको किस तरह से यूज करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। तो जी सबसे पहले तो ये इसका बॉक्स है, बॉक्स में ऊपर ही लिखा हुआ है Realme और यहाँ पे 8 की ब्रांडिंग लिखी हुई है। सबसे ऊपर है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, साइड में भी Realme 8 की ब्रांडिंग, इधर भी ब्रांडिंग, इधर इसकी प्राइस लिखी हुई है। प्राइस है इसकी इसमें मेंशन की है 16,999, लेकिन ये 14,000 में आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और अभी फिलहाल कुछ डिस्काउंट में आपको 13,300 के अंदर ये पड़ जाएगा। इसके पीछे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की हुई हैं, जैसे कि सुपर एमोल डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा है, सुपर स्लिम एंड लाइट, हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर, 30 वाट डार्क चार्ज और 5000 mAh की बैटरी। चलिए फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। तो जी हमारे इनबॉक्स कंटेंट है, ये हमारा स्मार्टफोन है, ये आपका 30 वाट का डार्ट चार्जर्स में प्रोवाइड कराया गया है, USB टाइप सी की आपको ये चार्जिंग केबल दी हुई है। तो इन सब सामान को हम फिलहाल रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं मेन डिवाइस जो है हम आपका Realme 8 स्मार्टफोन। तो ये है हमारा स्मार्टफोन Realme 8। इसकी जो स्क्रीन साइज है 6.4 इंचेस की सुपर एमोल्ड स्क्रीन है जिसमें आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। राइट हैंड साइड में देखते हैं तो इसमें सिम ट्रे दी हुई है, सिम ट्रे में देखते हैं इसमें कितने स्लॉट्स हैं। इसमें आपको ट्रिपल सिम स्लॉट दिया हुआ है, ट्रिपल सिम स्लॉट मीन्स तीन इसमें स्लॉट दिए हुए हैं। आप इसमें दो सिम कार्ड यूज कर सकते हैं और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। नीचे आपका ये 3.5mm हेडफोन का जैक है, आपके प्राइमरी माइक्रोफोन है, USB टाइप सी पोर्ट है, ये आपके स्पीकर ग्रिल दी हुई है। राइट हैंड साइड में आपके ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये वॉल्यूम अप डाउन के स्विचेस हैं। टॉप में आपका ये सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। बैक साइड में आपका ये बड़ा बड़ा लिखा है डेयर टू लीप, यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग है। इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है जिसमें आपका प्राइमरी जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का अपर्चर इसका है, f1.79 का मेन कैमरा है इसका। जो सेकेंडरी कैमरा है जो वाइड एंगल लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है, इसका जो एंगल है वो 119 डिग्री का वाइड एंगल लेंस है। इसके साथ ही एक मैक्रो लेंस है और साथ में एक ब्लैक एंड व्हाइट आपको लेंस दिया गया है, साथ में ये LED फ्लैश नीचे दी हुई है। तो ये थी इसकी फिजिकल ओवरव्यू। बैक साइड में प्लास्टिक है और प्लास्टिक बिल्कुल शाइनी प्लास्टिक है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, आपके फिंगरप्रिंट इसमें आप यूज करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट इसमें छप सकते हैं। बेसिकली ग्लास बॉडी नहीं है, प्लास्टिक की ये बॉडी इसमें दी हुई है। साइड में भी ये कुछ भी आपका ये मेटल का नहीं है, ये भी आपका प्लास्टिक का ही फ्रेम है, मेटल का इसमें कहीं भी यूज नहीं किया गया है। चलिए फटाफट से इसको मैं ऑन कर लेता हूं। मैंने इसको पहले ही सेटअप कर लिया है। मैं आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं कि इसके की हाइलाइट्स क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी शानदार है। इसकी जो वेट है, हालांकि 6.4 इंचेस की सुपर एमोल्ड डिस्प्ले के बावजूद इसका जो वेट है वो सिर्फ 177 ग्राम्स है। इसकी थिकनेस भी काफी कम है, सिर्फ 7.99 मिलीमीटर का ये स्लिम है। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है आपको हीलियो G95 प्रोसेसर दिया गया है। बैटरी इसमें 5000 mAh की दी हुई है, इतनी थिकनेस के साथ इसमें 5000 mAh की बैटरी इसमें दी हुई है जो कि 30 वॉट के डार्ट चार्जर के साथ आती है, जो कि इस स्मार्टफोन को आपको सिर्फ 65 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर देगी। लगभग एक घंटे में पूरा आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा अगर ये आपका पूरा 0% इसमें बैटरी रह जाती है। तो इसमें जो टच सैंपलिंग रेट है वो 180 हर्ट्ज का इसमें टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आपका 90.8 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। इसके जो बेजल्स है काफी थिन है, काफी पतले से बेजल्स है, जैसे मोटोरोला के स्मार्टफोन में काफी चौड़े से होते हैं ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए ये काफी देखने में भी काफी सुंदर स्लीक सा काफी प्यारा सा इसका डिजाइन लगता है। इसमें बेसिकली दो कलर आते हैं, एक तो साइबर सिल्वर है और एक ये हमारा है साइबर ब्लैक। इसमें मेमोरी के भी दो वेरिएंट आते हैं, रैम के दो वेरिएंट आते हैं, एक तो 4GB रैम और 128GB बिल्ट और एक 8GB रैम और 128GB बिल्ट। इसमें जो रैम है वो LPDDR4X की रैम प्रोवाइड कराई गई है और जो इनबिल्ट मेमोरी है वो UFS 2.1 की इसकी मेमोरी प्रोवाइड कराई गई है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन है 5.1 जो कि ये आपके डुअल बैंड वाईफाई को भी सपोर्ट करता है।
इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपका 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। चलिए अब इसका मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिखा देता हूं कि कितना फास्ट है या कैसा है। इतना फास्ट नहीं है इसका, लेकिन ठीक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के हिसाब से ठीक है। हालांकि जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं, बैक माउंटेड होते हैं, वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा, देखिए ये देखिए, ये थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेता है अनलॉक होने में। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1000 nits की है, तो आपको आउटडोर कंडीशंस में भी, अगर आप बाहर जाके के आउटडोर में आप इसमें कुछ मीडिया कंजम्पशन इसमें कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग्स सुन रहे हैं, वीडियो सॉन्ग्स इसमें देख रहे हैं, तो आपको कोई भी इसमें इशू नहीं आने वाला ब्राइटनेस को लेकर के। बेसिकली इसका लुक काफ़ी शानदार मुझे लग रहा है। इसमें आपको दिया हुआ है, ये आपका वाईफाई का है, रिंग का है, ब्लूटूथ है, फ्लैश लाइट, लोकेशन, एयरप्लेन मोड, OSI विजुअल इफेक्ट, डार्क मोड इसमें दिया है, आई कंफर्ट है, पावर सेविंग मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी इसमें ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन टॉगल में दिया हुआ है, डो नॉट डिस्टर्ब, रियल मी शेयर, स्क्रीन कास्ट का भी इसमें ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। सेटिंग्स में इसमें देख लेते हैं सेटिंग्स में क्या क्या है। ये अबाउट फोन में जाके रियलमी 8 डिवाइस, इसमें रियलमी UI वर्जन 2.0 है, एंड्रॉयड 11 इसमें दिया है, प्रोसेसर हीलियो G95, 4GB रैम का हमारा ये वेरियंट इसमें दिया हुआ है। चलिए मैं आपको इसके कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूं कि इसका कैमरा किस तरह का है। ये इसका कैमरा के मोड्स हैं, ये नाइट मोड है आपका, वीडियो मोड है, ये फोटो मोड है, इसमें पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है, ये 64 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड इसमें सेटिंग्स दी हुई है। मोड में आपका ये अलग से है, स्टेरी मोड है, डुअल व्यू वीडियो है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, मूवीज एक्सपर्ट, पैनोरामा, टेक्स्ट स्कैनर, अल्ट्रा मैक्रो, ये इसमें सभी मोड्स इसमें दिए हुए हैं। चलिए पहले मैं आपको इसके कैमरा सैंपल से कुछ दिखा देता हूँ, इसका कैमरे की क्वालिटी कैसी है। शटर स्पीड इसकी ठीक ठाक लगी, स्पीड स्लो नहीं है, अच्छी शटर की इसकी स्पीड अच्छी दी हुई है। तो ये इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी जो इमेज क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया इसमें आ रही है, क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी इसमें शो हो रही है। कैमरा इसका काफ़ी बढ़िया है, ये ऑटो फोकस भी इसका अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, स्लो नहीं है, अच्छी तरह से ये ऑटो फोकस भी इसका बढ़िया काम कर रहा है। ये इसके कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, कैमरा सैंपल्स देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी जो कैमरा की जो क्वालिटी है वो किस तरह से आती है। इसमें डेडिकेटेड नाइट मोड दिया हुआ है, तो नाइट की फोटोज भी काफी ठीक ठाक इसमें आती हैं। अब आपको मैं इसमें कुछ वीडियो सैंपल्स दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, उसकी जो साउंड है, जो इसका माइक जो साउंड क्वालिटी कैप्चर करता है वो किस तरह की करता है। ये इसके वीडियो का सैंपल है, इसमें जो साउंड आप देख रहे हैं, साउंड आप सुन रहे हैं, वो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की हुई है। आप देख सकते हैं इसमें स्टेबलाइजेशन किस तरह का आ रहा है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो किस तरह की आ रही है। ये स्लो मोशन का सैंपल है, ये इसका टाइम लैप्स का सैंपल है। चलिए मैं आपको सुनाता हूं कि इसकी जो साउंड है, जो उसके स्पीकर की साउंड किस तरह की आती है।
साउंड क्वालिटी इसकी काफी ठीक ठाक है, स्पीकर्स मुझे इसके ठीक ठाक लगे, ज्यादा भयंकर तगड़े वाले लाउड नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में काफी बेहतरीन इसकी मुझे साउंड लगी। चलिए मैं आपको इसकी कुछ वीडियो सैंपल्स दिखाता हूँ कि इसकी वीडियो क्वालिटी किस तरह की है। हालांकि सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है तो वीडियो क्वालिटी इसकी बेहतरीन ही रहने वाली है। ये वीडियो क्वालिटी आप इसकी देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन है। सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है तो वीडियो क्वालिटी तो शानदार होनी ही चाहिए थी, और इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए व्यूइंग एंगल्स भी इसके काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी तरह से विजिबिलिटी इसमें शो होती है। तो बेसिकली कुल मिला के आपको इस स्मार्टफोन में मीडिया कंजम्पशन में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसका जो प्रोसेसर है हीलियो G95 का प्रोसेसर, वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप प्रो गेमर हैं तो उसके हिसाब से ये नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल गेमर हैं तो आपको ये मोबाइल बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। आप अच्छी तरह से इस मोबाइल में गेमिंग का भी आनंद, गेमिंग का लुत्फ आप उठा सकते हैं। तो बस यही था। तो जी, ये थी Realme 8 स्मार्टफोन की एक लगभग कंप्लीट वीडियो, इसके साउंड क्वालिटी की, वीडियो सैंपल की, इसके जो कैमरा के जो सैंपल्स हैं, इसके सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स के सैंपल्स की मैंने इसमें वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।